Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing book example number 5 of chapter 8 quadrilateral. So chaliye dekhte hain. Example number 5 is show that the bisectors of angles of a parallelogram form a rectangle. ये यहाँ पे diagram है. ABCD एक parallelogram है. ये angles के जो bisector है means ये वाला A angle को कौन bisect कर रही है? ये line. इस एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, इसको ये कर रही है, इसको ये कर रही है और फिर इसको इस तरह से बनाया कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, बाइसेक्टर्स क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं पैरेललोग्राम के. तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे. पहले देखिए ये जो एंगल ए है पूरा, ओके, और ये वाला इसका हाफ है. ठीक है, तो क्या मैं इस तरह से लिख सकती एंगल डी ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए. ठीक है, मैं आपको थोड़ा चेंज करके दिखा. मैंने यहाँ पे लिखा कि एंगल डी ए एस ये वाला, ठीक है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है. ये जो डी ए एस है ये हाफ ही तो है एंगल ए का, डी ए एस इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए. तो सिमिलरली कैन आई राइट ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल कौन सा है, एस डी ए, एस डी ए ये किसका हाफ है, हमें दिख रहा है ये कौन से एंगल का हाफ है, एंगल डी का. तो ये पहले हमने लिख दिया. अब इनको, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाफ ए प्लस हाफ डी, हाफ ए प्लस हाफ डी इक्वल टू एंगल डी ए एस प्लस एंगल एस डी ए, ये बना. यहाँ से मैं हाफ निकाल लूंगी तो क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी ए एस प्लस एस डी ए. अब देखिए ये एंगल ए और डी कौन है, एंगल ए ये हमें गिवन है, पैरेललोग्राम है, एंगल ए और डी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री है, 180 डिग्रीज है. या हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर क्या होगा, ए प्लस डी का सम क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो इनका सम क्या है, 180 डिग्रीज. तो ए प्लस डी को मैं यहाँ पे 180 डिग्रीज कर दूँ बाई टू इक्वल टू डी ए एस प्लस एस डी ए. ठीक है, तो ये आ गया 90 डिग्री. ओके, एंगल डी ए एस यहाँ पे थोड़ा सा रब करके दिखाती हूँ आपको. सी एंगल डी ए एस ये वाला एंगल प्लस एंगल एस डी ए ये वाला, ये दोनों 90 डिग्रीज आ गया. पर हमें यहाँ पे दिख रही है कि ट्राइंगल दिख रही है, ये वाली ट्राइंगल कौन सी है, ए डी एस. तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो मैंने तो हमने क्या किया यहाँ पे, एंगल ए और एंगल डी इनका सम कितना है, 90 डिग्री. ठीक है, तो नाउ लेट्स टेक ट्राइंगल ई ए सी, इसके ऊपर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. ट्राइंगल डी ए एस, एंगल ए प्लस एंगल एस प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है. एंगल ए प्लस डी हमने कितना प्रूव किया, इट्स 90 डिग्रीज, 90 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो एस कितना आ गया, दिस इज 90. अब अगर ये 90 है तो भाई ये भी 90 होगा, मीन्स एंगल पी एस आर दिस इज ऑल्सो 90. क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये एंगल डी एस ए और पी एस आर. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल डी एस ए इक्वल टू पी एस आर इक्वल टू ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो अब ये प्रूफ हो गया, ये वाला दिस एंगल इज 90 डिग्री. सिमिलरली हम ये ट्राइंगल लेके सी क्यू बी, ये ट्राइंगल लेके ये एंगल 90 हो जाएगा, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. तो एंगल सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इज ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, अब देखिए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. ठीक है, सिमिलरली एंगल एस पी आर इक्वल टू
एंगल एस आर पी इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो ऑपोजिट एंगल्स भी हमने इक्वल कर दिए और सारे एंगल्स अब कितने कर दिए, 90 डिग्रीज का मेजर है. सो वी कैन राइट ऑल एंगल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल ऑल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड 90 डिग्रीज, हेंस इट इज और पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. यही हमें प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. सो वी आर डन विद द फर्स्ट 5 एग्जाम्पल. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड बाय बाय.